वेलकम बैक। हम खड़े हैं इस वक्त रेडवुड फॉरेस्ट के अंदर, जहाँ पे हमने तीन वीडियोस रिकॉर्ड करनी है जो कि लाइफ इन द रेडवुड्स होंगी। एक पार्ट वन, फिर पार्ट टू, फिर पार्ट थ्री। तो आज टेम करना है ब्राकियोसोरस। ये है एक मेल ब्राकियोसोरस और इस राइट साइड पे आगे एक फीमेल भी खड़ा, फीमेल फिर रही थी। तो ये एक मॉडर्न डायनासोर है, एक मॉड है जिससे ये डायनासोर आ जाता है गेम के अंदर। और मुझे भी नहीं पता ये कैसा डायनासोर है, लेकिन इसकी टेमिंग काफ़ी डिफरेंट है बाकी डायनासोर से। इसकी टेमिंग इस तरह है कि इसको आपने कोई गोली मारनी किसी चीज़ से, गन से। गन्स के बगैर टेम नहीं होगा ये। आपको गन्स चाहिए और आपको गोलियाँ चाहिए। ये आपके पीछे आता रहेगा और जब ये दो टांगों पर खड़ा हो जाए, आपके पीछे आते आते ये दो टांगों पर खड़ा हो जाएगा एकदम। जैसे ये दो टांगों पर खड़ा हो तो आप तो जान छोड़ो यार। जैसे ही दो टांगों पर जैसे ही खड़ा हो तो फिर आपने इसकी जो टांगों पिछली टांगों का अगला हिस्सा है उनके ऊपर गोलियां मारनी है। उससे इसे इसकी टॉपरिटी बढ़ेगी और ये टेम हो जाएगी। इस जगह पर गोलियां मारने से टॉपरिटी इसकी बढ़ेगी और फिर ये नीचे गिर जाएगा। ओ ये लो लेवल का था इसलिए काफ़ी जल्दी गिर गया है। और एक चीज़ इसकी ये है कि इसकी टॉपरिटी काफ़ी जल्दी कम होती है। आपके पास नारकोटिक्स होना ज़रूरी है। दूसरा, ऐसे टेम करने के लिए आपको फिर चाहिए होंगी तो मेरे ख्याल से सब्जियाँ ही काम आएंगी। अगर कोई बना सकता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल तो वो बना ले, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केबल बनाना काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने वो नहीं बनाई। और जो सब्जियाँ हैं वो मेरे पास हैं, उनसे मैं टेम करूँगा। लेकिन सब्जियों से मसला ये है कि इफ़ेक्टिवनेस काफ़ी कम हो जाती है। ये जी हमारा ब्राकियोसोरस या ब्राचियो या ब्राकियो, पता नहीं जो भी कहते हैं इसको, मुझे नहीं पता साइज़ वगैरह। ख्याल से टीका से भी बड़ा ही है। अच्छा, हार्वेस्टिंग मेरे ख्याल से ये हर चीज़ की करता है, थैच की और वुड, स्टोन, फ्लिंट, मेटल, हर चीज़ की हार्वेस्टिंग करता है। हार्वेस्टिंग मोड्स भी हैं इसके, जिनके बारे में मुझे अभी नहीं पता सही तरह। मोड चेंज करके हम इसकी हार्वेस्टिंग चेंज कर सकते हैं, शायद मेटल से वो चला जाए स्टोन के ऊपर, कुछ होगा चक्कर चक्कर, पता कोई नहीं मुझे। लेकिन काफ़ी अजीब तरह का डायनासोर है ये, इसके अटैक्स वगैरह के मामले में। मतलब दो टांगों पे खड़ा भी हो जाए, दो टांगों पे चल भी पड़ता है। इसकी रोवर है जो इस रोवर से गीगा भी डर के भाग जाता है। यानी अगर गीगा को आपके ऊपर अटैक करने आ जाए तो आप इसकी रोवर करोगे तो गीगा डर के चला जाएगा काफ़ी दूर तक। आप अपनी देर में वहाँ से साइड पर हो सकते हो और फिर सीधे दबाने से दो टांगों पे खड़ा हो जाता है। तो वैसे ये मेरा नहीं ख्याल इस तरह से मुमकिन है कि इतना बड़ा डायनासोर दो टांगों पे खड़ा हो सकता है। लेकिन जिसने बनाया मोड वो भी पागल तो नहीं है, उसने सोच के बनाया होगा, बेहतर जानता है वो। थोड़ा ऑड लगता है, थोड़ा अजीब लगता है मुझे दो टांगों पे खड़ा हुआ वैसे ही, क्योंकि इसका वज़न आगे काफ़ी ज़्यादा है, पता नहीं क्या चक्कर है। बहरहाल इसका जो मेगा स्टाम्प है वो मैं दिखाता हूँ अभी। तो इस तरह से खड़े हो कि अगर हम लेफ्ट क्लिक दबाएं तो ये मारता है मेगा स्टॉम्प, जिससे काफ़ी ज़्यादा सारा डैमेज हो जाता है। ये है जी ब्राकियोसोरस, लंबी गर्दन वाला डायनासोर। वो है इसकी फीमेल, हम इसकी फीमेल भी टेम करेंगे ताकि फिर हम इनकी एक फैमिली बना सकें और अपने रेडवुड फॉरेस्ट में जो हमारा छोटा सा ट्री बेस है, छोटा सा वुडन ट्री प्लेटफॉर्म है जहाँ से मैं शहद लेने आया करता था और सैप लेने आया करता था, उनको फिर हम भाकड़ा कर देंगे। कबाब में हड्डी पहले मार दूँ मैं, ना ये बाद में आ जाएगी। और सर मैं इधर हूँ, मेरे पास आओ इधर, वैसे लड़ाई करनी है ना। तो अब आ रहा है, पहले कहाँ जा रहे थे वो, इसकी एग्रो खत्म हो गई। ओए यार क्या पता नहीं इनको मरने का शौक है, अपनी जान नहीं अजीज इनको, पता भी है इतनी बड़ी गन लेके मैं खड़ा हुआ फिर भी आ रहे हैं। हद हो गई, खड़े हो जो खड़ी हो जाए मैम, आप दो टांगों पे आपको टेम करना है। मैंने सर जी क्या मजाक है, मेरे पीछे इतना बड़ा बंदा आ रहा है, मुझे डर लग रहा है उसने मुझे मार दिया तो मेरा काम हो जाएगा। इसके
इसका लेवल ज़्यादा है, थोड़ी देर लगेगी यार। इन्होंने तंग ही किया हुआ ना, क्या है तो भा। खड़े हो जाओ, जा रहा भाई जान, मैं इधर हूँ। क्या चक्कर क्या, खैर ओ खैर, पड़ा कितना ये चीज, बस बैठ भी गया, जाती है यार ये इतनी जल्दी, क्या ज़रूरत है आपको बैठने की। दोबारा 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 प्लीज, ये चीज़ ऐसी 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 रहो, ऐसी रहो, ये चीज़, ये तो सो गया। अब बारी है इसको सब्जियां खिलाने की। ओ खैर ओ खैर ओ खैर ओ खैर ओ खैर, अब भाई मैंने क्या बिगाड़ा है आपका, बना कर यार तो पानी में भी नहीं छोड़ दी। मुझे खड़ा होना पड़ेगा कहीं पे, एक मिनट मर जाओ यार। शुक्र है कि मैंने यहाँ पर एक वो डब्बा बनाया हुआ था छोटा सा, एक तब हम रहा पे रात एक हमने कैंप किया था। मुझे ये नहीं याद कि यहाँ पे रात एक कैंप क्यों किया था मैंने, शायद मैं कोई रक्स टेम कर रहा था, शायद स्पाइनो, शायद कोई और चीज़, मुझे याद नहीं, नो आईडिया, बिल्कुल भी नहीं याद। मज़े की बात, टायर बर्ड यहीं पर तो होगी अब। ओ इधर ही इधर ही इधर ही, आ गई आ गई आ गई आ गई, पानी में चलता हूँ पानी में, शायद वो ना मारे मुझे। आर्मर 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 भाई, अभी भी मार, गोलियाँ तो मार नहीं जाएंगी, ये पर तलवार है बेटा तेरे लिए, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, जलील जलील करके रख दिया मुझे, फजूल में ही एवें, कुछ कहा भी नहीं मैंने हालांकि। रात हो गई है और हमारे पास दोनों के दोनों ब्रोंटोज, ब्रोंटोज नहीं, दोनों के दोनों ब्राखियोज भी आ गए हैं, एक मेल और एक फीमेल। इन दोनों के ही हमें अंडे भी चाहिए, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल से हमें थोड़ा आराम करना चाहिए। इनकी सैडल पे टॉर्च लगा दिए मैंने, जिससे ये सैडल जलती रहेगी और थोड़ी रोशनी रहेगी, लेकिन इतने बड़े हैं वो कि कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, फिर भी रात में अंधेरा भी इतना ज़्यादा है, चांद तो है कोई नहीं आर्क पे जो रोशनी करे, जिस तरह हमारी ज़मीन पे चांद होता है, वहाँ पर तो सिंपल वो काफ़ी आगे हैं वो, असल में ज़मीन से ऊपर हवा में, इसलिए चांद वहाँ आता ही नहीं, होता है कभी कभी तो इतना गौर नहीं करते उस, लेकिन यहाँ पर तो है भी नहीं। या गया जी ब्राकियोसोरस का अंडा, जिससे हम निकालेंगे इनका एक बच्चा और वो हम लेके आएंगे वापस इसी जगह पर, ताकि हम इनकी फैमिली पूरी कर सकें, और उसके बाद बस इन्हें यहाँ पे खड़ा कर देंगे अपना जो रेडवुड फॉरेस्ट है, रेडवुड फॉरेस्ट का जो हमारा छोटा सा डब्बा है वहाँ पर। आ जाओ भाईजान, हम चलें बेस पर, नहीं बोल के रात आराम करते हैं, सुबह जाएंगे।
सबसे अच्छी जगह आराम करने की मेरे ख्याल से इनके नीचे होगी, यहीं पे सो जाता हूँ मैं आराम से। ओके बाय बाय, नींद आ रही है। चलो जी चलें बेस पे। गुड मॉर्निंग, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलें बेस पे चलें, इधर पास ही आगे जाके। अगर आप थोड़ा तेज़ चल लेते तो शायद हम जल्दी पहुंच जाते, लेकिन आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा है, आप दोनों की तो इतनी ज़्यादा स्पीड, मतलब उनका कसूर नहीं है इसमें, उनका साइज़ ही इतना बड़ा है, वो भी क्या करें, कोई नहीं होता रहता है। ये आ गए हैं जी हम बेस पे, एक ब्राकी हो जाएगा उस साइड पे जहाँ वो खड़ा है, और एक ब्राकी को मैं खड़ा करूँगा यहीं पर कहीं पर। इधर ठीक है बस, ओके हो गया। अब चलते हैं हम वापस अपनी टेरानोडोन ढूंढने, टेरानोडोन पे बैठ के हम चलते हैं वापस बेस पे, बेस पे जाके इनको करते हैं, इनका जो बच्चा है, इनका जो अंडा है, अंडे से निकालते हैं हम खाका, उस काके को फिर यहाँ पे लेके आएंगे, और फिर अम्मा पापा अपने बच्चे को देख के खुश हो जाएंगे, और फिर वो लोग जो हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे अपनी फैमिली के साथ। ट्रानोडोन को मैंने खड़ा किया था जहाँ पर पहला वाला ब्राकियो टेम करने लगा था मैं, काफ़ी पीछे करके वो जगह थी, तो आगे ही होगी कहीं पर ट्रानोडोन भी। इधर ही कहीं पे होनी चाहिए मेरे ख्याल से टिटानोडॉन, तो नहीं आगे होगी फिर शायद, और भी आगे शायद, और भी आगे शायद, और भी आगे। किधर गई? हैरान हूँ यार मैं, हैरान हूँ। मैं अंडा ही रखा जाऊँ इसका? नहीं, देर बाद वो अंडा देते हैं तो वो खड़ी ये चीज़। एक मिनट ट्रानोडॉन, आपने अंडा दिया है जबकि आप यहाँ पर अकेली थी, कुछ तो गड़बड़ है अभिजीत। हेलो, इसकी शक्ल कैसी है? आ जाओ बेटा आ जाओ, माय गॉड इसकी शक्ल कैसी है, ये तो खौफनाक चीज़ लग रही है ये कोई। ओ या आ जा भाई, तू तो इतना स्लो है ना, चलते रहे अम्मा बस स्लो चलते हैं। आओ जी आओ जी आओ जी, हम भी इधर ही हैं, मरोगे बेटा आप इधर हो तो फिर। किधर रह गया भाई इतना तेज? आ जाओ सर आ जाओ आ जाओ, तेज ना लगाओ, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतना टाइम पहले ही नहीं है। आप बड़े हो गए ना अगर यहीं पे, फिर तो बहुत मुश्किल होगा इसे, यहाँ मैं करूँगा तो मैं मार दूंगा इसे, अगर यहीं पे बड़ा हो गया तो उठा सकता हूँ। लो ये क्या मजाक है, मैं उठा के ले जा सकता हूँ यार, छोटा है अभी। लो उठता ही नहीं, खा लिया, चलो चले हैं। ये क्या हो रहा है यार, मसला है यानी नहीं उठा सकता, इस तरह का कोई चक्कर है। चलो फिर आ जाओ आ जल्दी, बैठो आओ बैठो चले यार, रैंप तो सीधा हो जाए इधर से ही। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले तो इसका मैं वो वेंटिलिंग खत्म कर दूंगा इसकी वाला नहीं। चलो 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 चल पड़ यार, अब चल पड़, अब देर ना लगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पर जल्दी आ जाओ भाई, क्या इतना स्लो स्लो, गर्दन देखी जैसे वो खंभे लगे होते स्ट्रीट लाइट्स होती हैं जैसी, वो तो मुझे गर्दन तो वैसी लगती है जैसे बिल्कुल स्ट्रीट लाइट। बहुत अच्छे बहुत अच्छे,
यार वो बाल ही हैं तुम के, तुम की हड्डी शड्डी भी है। अच्छा जी चलो आगे आ जाओ थोड़े से आप, और थोड़े से आप भी आगे आ जाओ। चलो अब आ जाओ सर, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। आप बड़े होते जा रहे हो, ज़्यादा बड़े हो गए आप तो हमारे लिए मसला बन जाएगा फिर, पेडल से उठाया नहीं जाना, वेट इतना ज़्यादा हो जाएगा आपका। वो आ जाओ भाई, डिस्टेंस लो करता हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चीज़ ये चीज़ लोएस्ट। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये चीज़ ऊपर आ जाओ। वाह भाई वाह, छा गए छा गए छा गए, और थोड़ा पीछे, बस जबरदस्त। चलो चलें चलो चलें चलो चलें, क्वेंटल इसको इसके अम्मा अब्बा के पास लेके जाना है। लेट्स गो। लो जी माँ पापा, ये लो आपका बच्चा आ गया, ये अभी ऊपर ही खड़ा रहेगा, जब बड़ा होगा तो मैं इसे नीचे ले आऊँगा, इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना अभी। यहीं पे रहो बेटा, ये हिल क्यों रहा है इतना, खून से खड़ा था क्या है? तो आज के लिए इतना ही, इस एपिसोड के लिए हम वापस आएंगे रेडवुड, लाइफ इन रेडवुड्स पार्ट 2 में। बाय बाय।